एनर्जी, इतनी एनर्जी, आई एम श्योर ये सब देख के आपका भी बहुत मन कर रहा है जस्ट टू गेट अप एंड डू समथिंग। क्या आपका मन कर रहा है? तो क्या आप तैयार हैं? आर यू विद मी? तो अगर आप मेरे साथ हैं तो आपको मेरे जैसे एग्जैक्टली वही करना पड़ेगा जो मैं कर रही हूं। डूएबल? क्या आप मुझे मिमिक करेंगे? सो देन रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू प्लीज स्टैंड अप। ग्रेट, आई कैन सी एवरीवन स्टैंडिंग अप, अमेजिंग। ओके, सो बहुत सिंपल है, जैसे आपने बोला आप सब मेरे साथ हैं तो आपको वही करना है जो मैं भी कर रही हूं। कैन वी हैव सम म्यूजिक प्लीज?
डोंट हेट एनीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन, सो स्पोर्टी ऑफ यू, आप सब ने इतना अच्छा करा, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड ये सब क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, यू नो टाइम टू टाइम इट्स हम लोग भूल जाते हैं कि ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज अपने लिए करना कितना इम्पोर्टेंट है। और हम क्यों भूल जाते हैं, बिकॉज हम इतने बिजी रहते हैं एवरी डे, जो हम वर्क करते हैं अपने लाइफस्टाइल में, हम वो टाइम ही नहीं निकाल पाते। और ये सब किसके हाथ में है टाइम निकालना, इट्स इन योर हैंड्स। ये कोई आपको बताएगा नहीं कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, कोई आपको बताएगा नहीं कि वो आप छोटे छोटे टाइम जो आपको मिलता है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। तो एक्चुअली अगर हम परसेंटेज के बारे में बात करें तो 80% एक्चुअली आपके खुद के हाथ में है। जो आप जैसा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं, ये सब आपके हाथ में है। और वो सिर्फ एक 20% है जो आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर सकते हैं या फिर जेंडर को ब्लेम कर सकते हैं, बट नो, 80% इज इन योर हैंड्स। एंड जब हम इस 80% की बात करते हैं, आई एम श्योर यहाँ पे बहुत लोगों को ये ब्यूटी व्हील के बारे में पता होगा। ये ब्यूटी व्हील में वो फैक्टर्स हैं जो आपको उस टूवर्ड्स लेके जा सकें, जैसे कि स्लीप। बहुत नॉर्मल होता है सोना, बट वो इतना नॉर्मल नहीं है अगर आप उसको प्रॉपर टाइमली स्लीप अपनी बॉडी को ना दें। 8 hours इज समथिंग जो एक एडल्ट को जनरली नींद कंप्लीट करनी चाहिए। न्यूट्रिशन, बहुत मज़ा आता है जब हम बाहर जाते हैं पास्तास खाने, बर्गर्स खाने, मैं भी खाती हूँ, आप भी खाते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम बैलेंस करें उस डाइट में। ये नहीं कि रोज़ स्विगी से या जोमैटो से ऑर्डर्स आ रहे हैं, नो, यू नीड टू टेक केयर एंड एक्चुअली हैव अ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन डाइट। और भी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप सोशली कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, आप अपने डाउनलाइन से मिलते हैं, अपलाइन से मिलते हैं, और जनरल जब आप बात लोगों से करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन बनाते हैं, वो आपको एक्चुअली इतना हेल्प करता है इमोशनली, इट मेक्स यू वेरी वेरी स्ट्रांग। आपको बहुत बड़ी लगता होगा कि जब आप अकेले बैठे हो या फिर जब आप लोगों के साथ हो, देयर इज अनदर लेवल ऑफ हैप्पीनेस जो आपके पास आती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बात करें, लोगों से मिलें और एक कंप्लीट सर्कल अपनी लाइफ में बैलेंस रखें। और ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज अब हेल्दी रहना ऐसा नहीं है कि बस आप अच्छे दिख रहे हो, यू आर एबल टू ब्रीद, हाँ मैं सीढ़ियाँ चल पा रही हूँ, इट्स ओके, ये हेल्दी नहीं है। हेल्दी होता है दैट आप फिजिकली हेल्दी हो, इमोशनली मतलब माइंड से हेल्दी हो, और आपकी सोल भी हेल्दी हो, ताकि गुड थॉट्स आपके दिमाग में है जो आप एक्चुअली उनको पेव कर पाएं इनटू समथिंग सॉलिड, दैट इज व्हाट इज बीइंग हेल्दी। एंड जब हेल्थ की बात आती है तो हमारी वेलनेस रेंज पीछे नहीं है, क्योंकि वो इतनी अच्छी है कि वो इंस्पायर्ड होती है फ्रॉम नेचर, बट ऑफ कोर्स इट इज़ पावर्ड बाय साइंस एज वेल, ताकि वो आप सबको मिल पाए जो आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत कमी है वो पूरी कर सके। एंड आर प्रोडक्ट्स आर होलिस्टिक इन नेचर। होलिस्टिक का मतलब क्या है, होलिस्टिक का मतलब ये है कि वो नेचुरली सोर्स्ड होते हैं, सेफ होते हैं, फॉर्मुलेशंस आर वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग फॉर्मुलेशंस जो आपको दिखेंगे, और दे आर ऑल्सो वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल टू। जब मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ इंग्रेडिएंट हमने ज़्यादा डाला है, कुछ कम डाला है, ये एक्चुअली उतना ही है जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है और जितनी आपकी बॉडी एक्चुअली उसको ले पाए। आर प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल,
वी ऑल नो हम कितनी सस्टेनेबल हैं एज अ कंपनी, सो वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स आर प्लैनेट एज वेल. एंड लास्टली सेफ. यू नो हमारी इतनी रिगरस टेस्टिंग होती है ईयू लैब्स में, और जो ईयू लैब्स हैं मतलब यूरोपियन लैब्स हैं वो सबसे स्ट्रिक्टेस्ट हैं इन द होल वर्ल्ड. तो जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो एक्चुअली दे गो थ्रू अ लॉट मैनी यू नो ऑफ दीज लैब्स, अब तब जाके ये प्रोडक्ट एक्चुअली हमारे पास आते हैं, आपके पास आते हैं. इसके साथ ही साथ वी हैव पीपल इन आर टीम जो कि है न्यूट्रिशनल काउंसिल और साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड, जो आपको मदद करती है, ट्रेन करेगी, टिप्स देगी कि आप कैसे ये प्रोडक्ट्स आगे सेल कर पाएं इन अ वेरी सेफ एंड इन अ वेरी प्रॉपर वे. और ये लोग प्रोफेसर्स हैं, दीज पीपल्स आर डॉक्टर्स. तो एक्चुअली बहुत ही नॉर्मल वे से ये कम्युनिकेशन, अच्छी तरीके से ये कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है. तो अब हम बात करते हैं फिलॉसफी की. हमें बैकग्राउंड समझ आ गया कि यस दीज प्रोडक्ट्स आर नेसेसरी आपकी हेल्थ के लिए, आपके बिजनेस के लिए. बट है क्या ये फिलॉसफी? आपको लगता होगा यस हमने वेलनेस प्रोडक्ट से फिलॉसफी कर दिया, क्यों करा? वेल इट इज एक्चुअली वेरी इजी. फिलॉसफी दो वर्ड से आता है, पहला वर्ड वेलनेस और दूसरा वर्ड फिलॉसफी. सबकी लाइफ में कोई ना कोई फिलॉसफीज होती हैं. आई थिंक बचपन में कभी कुछ होता है, एज यू ग्रो ओल्डर वो डिफरेंट हो जाती हैं. बट ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमेशा सबके साथ होनी चाहिए और चलती रहनी चाहिए, जो है वेलनेस की फिलॉसफी, मतलब फिलॉसफी. सो आइए देखते हैं कि एक्चुअली इस फिलॉसफी में क्या है और आप क्या इससे ले सकते हैं आगे जाके. Ready to take the first step? क्या वो आप step लेना चाहते हैं towards philosophy? क्या आप वो step लेना चाहते हैं towards philosophy? So it's very easy. You just have to go and actually get introduced to Oriflame philosophy products. वो products जो actually सब लोग के लिए है. अगर आपको gut का problem है तो yes, we have something for you. अगर आपकी बोन्स थोड़ी वीक आपको लगती हैं, पेन होती है, वी हैव समथिंग फॉर यू एज वेल. अगर आपको लगता है विटामिन्स की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में, या मिनरल्स नहीं है, या ब्रेन हेल्थ के टूवर्ड्स यू वांट टू टेक समथिंग लाइक अ सप्लीमेंट, वी हैव समथिंग फॉर यू एज वेल. सो प्रेजेंटिंग टू यू आर रेंज ऑफ फिलॉसफी प्रोडक्ट्स, जिसमें यू गेट न्यूट्रीशेक्स, यू गेट ओमेगा, यू गेट MVM एंड यू गेट एस्थाजैंथीन एज वेल. तो अगर हम थोड़ा जाने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, जो न्यूट्री शेक है वो तीन फ्लेवर्स में आता है, चॉकलेट, वनीला और स्ट्रॉबेरी. समथिंग जो आपकी पर्सनल फेवरेट भी बन सकती है और आप आगे लोगों को बता भी सकते हैं. ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों का एमलगमेशन है. इसमें आपको मिलता है राइट फाइबर, इसमें मिलता है राइट प्रोटीन, और जो सोर्सेज हैं इनकी, ऑफकोर्स इट्स मिल्क, सोय, पी, बीटरूट, ये सब आपको पता है ये चीजें क्या हैं. सो देयर इज नथिंग हिडन जो आप इस प्रोडक्ट्स में देखेंगे. इसके साथ ही साथ एक एनर्जी मिलती है. मैंने एक्चुअली मॉर्निंग में ही पिया है वनीला शेक, तो आई थिंक मेरी एनर्जी अच्छी खासी चली रही है. देयर इज अ बूस्ट दैट यू गेट एंड एक्चुअली यू फील वेरी वेरी एनर्जेटिक.
So that is something, if you want to start with velocity journey, then this product is the one. Next comes बहुत सारे लोगों का फेवरेट ओमेगा 3. ये एक ऐसा डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट है जो एक्चुअली उन फिश से बना है जो एटलांटिक ओशन में ही पाई जाती हैं. सो यू विल नॉट सी दिस यू नो मे बी इन आर इंडियन ओशन और समवेयर क्लोज बाय. ये एक्चुअली वो फिश हैं जो एटलांटिक ओशन से ही आपको मिल सकती है. सो दिस प्रोडक्ट व्हाट इट डज, it gives you great support in your health and cholesterol levels. ye brain health mein work karta hai bahut hi amazing tarike se, aur sath hi sath muscles aur joints ki jo inflammation hoti hai usko bhi curb down karta hai. So all in all a hero product for Oriflame. iske sath hi sath we have astaxanthin. I know ye bolne mein thoda mushkil hai, जब हमें भी पता चला तो हम भी थोड़े टाइम आस्ता आस्ता कर रहे थे, बट नाउ वी नो बिकॉज इस प्रोडक्ट में इतनी खूबियां हैं. ये पावर हाउस है एंटीऑक्सीडेंट का, तो दिस प्रोडक्ट इज समथिंग दैट अगेन विल हेल्प इन योर इम्यूनिटी. और स्किन किसको नहीं अच्छी लगती, अगर मेरी स्किन अच्छी हो यू नो आई हैव टू टेक केयर अबाउट इट, तो फिर दिस प्रोडक्ट इज फॉर यू एज वेल. और लास्टली हमने ये पिछले साल ही लॉन्च करा है MVM, जैसे नाम मल्टी विटामिन एंड मिनरल, तो ये एक टैबलेट में 12 वाइटल विटामिन्स हैं और 10 मिनरल्स हैं जो आपकी ओवरऑल वेलबींग, आपकी यू नो हेल्थ वे में, अगर आप जनरली एनर्जी चाहते हैं या फिर जनरल वेलबींग पे आपको लगता है कि कुछ डेफिशिएंसी है, तो ये डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा. सो ऑल इन ऑल दिस इज द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी हैव इन विलोसफी. तो अब अगर आपको विलोसफी से स्टार्ट करना है, सो यू नो एग्जैक्टली आपको क्या चीज़ और क्या प्रोडक्ट लोगों को आगे पिच करनी है, उससे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट वो खुद यूज़ करना है. जब तक आप ये खुद यूज़ नहीं करेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, यू विल नेवर बी एबल टू एक्चुअली सेल इट टू समवन एल्स. सो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप खुद के यूज़र बने और फिर इसकी बेनिफिट्स आगे लोगों को बताएं. सो येस विलोसफी इज समथिंग बिग. और ये और बिग क्यों है एंड आपको क्यों विलोसफी में अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ वेलनेस प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है. ये आगे जाके इतना बड़ा ब्रांड बनेगा कि इसमें बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जुड़ेंगे और बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स भी जुड़ेंगे आगे जाकर. एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू. जैसे आप, मैंने आपको कहा कि आप मेरे साथ हैं और आपने बोला जी मैं आपके साथ हूँ, एग्जैक्टली वही हम आपको आपके बेनिफिट के लिए दे रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस इन विलोसफी. तो आप कोई भी प्रोडक्ट देखें विलोसफी का, आप उसको एक्चुअली सब्सक्राइब कर सकते हैं आपके बेनिफिट के लिए, आपके कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए, और एक स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी बिल्ड कर सकते हैं ताकि बार बार वो लोग आए और वो प्रोडक्ट ले पाए एवरी मंथ. और इसके साथ ही साथ हमारे पास है वेलनेस क्लब्स. क्लब्स जाना मजा आता है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के यहाँ पे इंटरनल क्लब्स भी हैं, यू नो जहाँ पे आप फ्रेंड्स से मिलते हो, रिलेटिव से मिलते हो, इट्स अ फन थिंग. सो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी हैव इन टर्म्स ऑफ वेलनेस, वी हैव द वेलनेस क्लब. तो यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने वेलनेस क्लब करा है? आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू सी सबके हैंड्स रिजन. ओके, आई डोंट सी सो मैनी ऑफ यू, बट मैं चाहूँगी कि सीरियसली आप इसके बाद जाएं और ये जाने कि वेलनेस क्लब क्या है, और मैं आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगी. तो अगर आप पैशनेट हैं अपनी हेल्थ के लिए, अगर आप पैशनेट हैं कि आप 80 इयर्स के भी हों और एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, नॉर्मल मतलब ओरिफ्लेम नॉर्मल, जो ट्रैवल से भरी होती है, जो रिकग्निशन से भरी होती है, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी जिंदगी लीड करें, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वेलनेस क्लब के पार्ट हों ताकि आप अपने आप को फिट कर सको और दूसरों को भी फिट रहो. और इसके साथ ही साथ ये आपको सिर्फ अपने लिए नहीं बट आपके बिजनेस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा. अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ आई एम हैप्पी विद 100 BP, आई एम हैप्पी विद 500 BPs, तो ठीक है यू आर हैप्पी,
मगर अगर आपको हैप्पी से भी और ज़्यादा खुश रहना है, दिस इज़ वेयर यू कैन इवन रीच 10,000 BPs. दिस इज़ द ब्रांड वेयर यू कैन रीच मोर एंड मोर एंड मोर. सो येस, यू शुड बी अ पार्ट ऑफ विलोसफी अकेडमीज, जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ट्रेंड होंगे, एंड देन अल्टीमेटली आप वेलनेस क्लब के पार्ट होंगे, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा. यू नो, बचपन में सबको बहुत मज़ा आता था सर्टिफिकेट लेना, स्टेज पे आना, रिकग्नाइज होना, बट इन ओरिफ्लेम ये बहुत नॉर्मल सी बात होती है. यू नो, हमें तो आज इसलिए सर्टिफिकेट मिला, तो कंटिन्यू करिए वो सर्टिफिकेट वाली जर्नी और एक और सर्टिफिकेट अपने पास लाइए इन द नेम ऑफ वेलनेस क्लब. सो येस, स्टार्ट अ हेल्दियर यू टूडे. जैसे मैंने कहा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. आप ऑलरेडी उस फर्स्ट स्टेप में हैं विलोसफी के प्रोडक्ट्स को जानने के लिए, समझने के लिए. सो यू आर ऑलरेडी देयर. आपको बस थोड़ी सी और मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है. और अगर हम आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट जो आप अब देखेंगे, जो आई एम श्योर आपको और मोटिवेशन देगा आगे बढ़ने के लिए. तो ये है विलोसफी. This is the holistic way to live life. I believe in exercise to keep yourself happy and vital. Something I do every day is to try to achieve my 10,000 steps. When I go to bed and realize that I have missed my steps, I even go out from bed and walk around the house to get it done. To move every day is my philosophy. What is yours? Wow, such a simple thing. Robert कहते हैं, to move is my philosophy. मतलब उनको अपने steps पूरे करने होते हैं रोज. वो walks पे जाते हैं, वही उनकी philosophy है. कितनी simple बात है, मगर कितनी बड़ी बात है. So अगर वो time निकाल सकते हैं अपने busy schedule से, एक विलोसफी बना सकते हैं, तो आप भी वो कर सकते हैं. सो येस, इफ रॉबर्ट सेज टू मूव इज हिज विलोसफी, सो इट कैन बी योर्स एज वेल. सो येस, डू शेयर आपकी विलोसफी क्या है. आपको पता ही होगा, हम पूरे महीने और उसके बाद भी इसके बारे में और बहुत बातें करेंगे. अपने सोशल हैंडल्स पे जाइए, अपनी विलोसफी शेयर करिए, बिकॉज हम भी बहुत एक्साइटेड हैं आपकी ये स्टोरीज जानने में, आपकी विलोसफी जानने में. एंड एट रॉबर्ट ऑल्सो सेज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्रूट, रिक्रूट एंड रिक्रूट. और क्यों रिक्रूटमेंट इम्पॉर्टेंट है? ऑफकोर्स आपको फिट रहना है, आप अपने और आगे लोगों को बोलेंगे फिट रहने के लिए, तो रिक्रूटमेंट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो येस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हम यहाँ शेयर कर रहे हैं. रिक्रूटमेंट के बारे में बहुत बोल रहे हैं, बट अल्टीमेटली इट्स ऑल इन योर हैंड.